असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो लंबी इंतजार की घड़ियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक सिर्फ ITR 1 अवेलेबल हुआ है। अदर ITR फॉर्म जो है जल्द ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप अपना ITR उसके हिसाब से फाइल कर सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट 30 नवंबर तक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जल्दबाजी में कोई गलती ना करें ताकि आपका रिफंड हैम्पर हो या फिर बाद में आपको नोटिस का सामना करना पड़े। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ITR रिटर्न फाइल करने के पहले आपके पास कौन कौन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है आपको कहां से मिलने वाले हैं। तो पहले ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर ले, उसके बाद ही आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर लाइव जो है फुल डेमो के साथ फॉर्म 16 के साथ 26S को मैच करके आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करना है आपको इस चैनल पर 1 या 2 दिन में मिल जाने वाला है। तो उस वीडियो को देख के आप अपना ITR घर बैठे आप अपने मोबाइल से फाइल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि ITR रिटर्न फाइल करने के लिए जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो फॉर्म 16 होता है। तो फॉर्म 16 आपको एम्प्लॉयर के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो अभी तक अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 नहीं दिया है तो आप वेट कर लीजिए, आपका फॉर्म 16 मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला है तो आप वेट कर लीजिए। दूसरा जो जरूरी डॉक्यूमेंट होता है वो होता है फॉर्म 26S आपको पहले से डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि इसके साथ आपको आपकी इनकम जो है मैच होनी चाहिए। इसमें सारे TDS के और TCS के डिटेल्स इसमें दिए जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, वह है बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। एक्चुअली क्या होता है कि बैंक में जितने भी हमारे इंटरेस्ट आते हैं सेविंग या करेंट अकाउंट में, उसको भी आपको ITR में दिखाना जरूरी होता है। बहुत से लोग इसको हाइड कर लेते हैं। हालांकि 10,000 तक जितने भी हमारे इंटरेस्ट होते हैं वह टैक्स फ्री होते हैं, यानी कि उसका एग्जम्पशन लिया जा सकता है। तो मैं आपको जब लाइव दिखाऊंगा तो कैसे एग्जम्पशन लेना है उसको मैं आपको वहाँ पर दिखा दूंगा। फिलहाल आपके पास आपका बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप अपने बैंक से ले सकते हैं। अगर आपके पास SBI का अकाउंट है, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो मैं आपको इसी वीडियो में लाइव बताने वाला हूं कि आपका 26AS कैसे डाउनलोड होगा और आपका बैंक स्टेटमेंट यानी कि बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा। उसके बाद दोस्तों चौथा जो डॉक्यूमेंट है आपका, जो लोन अगर आपने ले रखा है तो लोन का सर्टिफिकेट ले लीजिए कि आपका इस फाइनेंशियल ईयर में आपके प्रिंसिपल अमाउंट कितने थे और आपके इंटरेस्ट वाले अमाउंट कितने थे, दोनों को अलग अलग आपको करके रख लेना होगा ताकि इसको हम सही तरीके से फाइल कर पाएँ। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आपके लिए जो फॉर्म 26AS है और आपका बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं SBI ऑनलाइन बैंकिंग यूज करता हूँ, तो अगर आप SBI का ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं तो आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने ऑनलाइन SBI में लॉगिन हो जाता हूँ। तो इस तरीके से मैं SBI ऑनलाइन नेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे जो 3 लाइनिंग दिया हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इंटरनेट बैंकिंग के बहुत सारे फायदे हैं। इसे आप अपने बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप वह सारे काम कर पाएंगे जो आप बैंक ब्रांच में जाकर करते हैं। तो आपके लिए इंटरनेट बैंकिंग काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर अभी तक आपने इंटरनेट बैंकिंग शुरू नहीं किया है, अगर करना चाहते हैं, आपका बैंक अकाउंट SBI में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप घर बैठे अपने मोबाइल से नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और नेट बैंकिंग का फायदा उठा पाएंगे। नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न का ई वेरीफाई भी कर पाएंगे। तो आज के डेट में इंटरनेट बैंकिंग का बहुत ही ज़्यादा फायदा है। तो चलिए हम जानते हैं कि आपको SBI के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आपका फॉर्म 26AS और बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन लेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे ई सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे आप ई सर्विस पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। तो जो तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा माई सर्टिफिकेट का, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप माई सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे फिर से आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देखने को मिलेगा। तो आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फॉर्म 26AS, यहाँ से जाकर आप अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड कर पाएंगे। फॉर्म 26AS को डाउनलोड करने एक और तरीका है, जब आप इनकम टैक्स के वेबसाइट पर जाकर लॉगिन होंगे तो आप अपने माई अकाउंट वाले टैब में जाके वहां से भी आप फॉर्म 26AS को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से बता रहा हूं कि आप अपना फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहां से आपको सबमिट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहां पर जब नीचे जाएंगे तो आपका यहां पर कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, तो आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा, यहाँ पे चेक बॉक्स में आपको चेक कर लेना है, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर चूज कर लेना है, असेसमेंट ईयर 2020-21 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे व्यू एज में आपको HTML सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद व्यू अब्लिक डाउनलोड पर क्लिक करना है। अगर आपको PDF में चाहिए तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड कर पाएंगे। अब चलते हैं कि आपका बैंक का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मैं चलते हैं पिछले वाले पेज पे।
फिर से आपको यहाँ से ऑप्शन ले लेना है, फिर से वही ई सर्विस वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और फिर से आपको माई सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। जैसे आप माई सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे जब पेज को लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ऑन डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आपके बैंक का जो भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है यानी कि आपको इस फाइनेंशियल ईयर में कितने इंटरेस्ट मिले हैं, उस पर TDS कटे हैं कि नहीं कटे हैं, उसका सारा जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाता है। या फिर यहाँ पे नीचे डाउनलोड इन PDF का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके आप अपना बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और फॉर्म 26 AS को डाउनलोड